This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tarique and Javed. Nazir, mashallah, aaj bhi plus hi ho gayi, which was I was not expecting. After such a big rise to 51,000, jaake meri apni prediction 48 ki hai. To usme bhi aaj ki jo plus hai, usko I welcome it. Zyada nahi, 30 plus hai. Market upar niche hoti rahi. Aakhir mein 30 plus pe band ho gayi. 51,103 ka level sustain hona hi bahut badi kamyabi hai meri nazar mein. Aur 30 mein bhi 6 ka izafa hai, 27,164. All shares may be 9.8 ka izafa, 34, which is very, very welcome. All shares may be kami nahi hai. Volume bhi mashallah pehle se kafi badhte hue nazar aa rahe hain, slowly and gradually. Aaj 33.4 crore ka kaam ho gaya janab. Total shares traded 375, 183 plus, 176 minus, unchanged 16. Worldcom Telecom mein was the volume leader with 55, Angro Polymer 21, Divan Cement 16, TRG Pakistan 16 keh sakte hain isko. Divan Motors mein bhi 15.63 ka izafa. Divan Motor ke baare mein badi khabrein hain, log mujhe SMS kar rahe hain ki ji bata dein kya ho raha hai, I don't like it. Nestle Pakistan 151 plus hai janab aaj. Sapphire Textile 92 plus, Atlas Honda 19 plus, Hino Park 17.9 plus, Pakistan Cable 16.99 plus. Top losers mein janab Vith ka naam hai aaj 62 minus, Unilever 50, Park Tobacco 50, Sanofi Aventis 32, Indus Dying 32. Nazin, kal ki ek badi khabar ye hai ki ek sahab jo ki apne aap ko guru kehte the aur unhone badi aake ne Pakistan mein aane ke baad bade drama drama kiya aur apne aap ko guru ban gaye aur bade hamdard Pakistaniyon ke ban ke unhone baatein shuru ki TV pe, hamare channel pe bhi aksar aaye और फेसबुक पे अपने पेजेज वगैरह बना लिए, अपना ग्रुप बना लिया. उसके बाद मुख्तलिफ शेयर्स के बारे में एडवाइस देना शुरू किया कि ये ख़रीद लो, ये ख़रीद लो. और बाद में पता ये चला कि वो ख़ुद वो शेयर ख़रीद के बैठे होते थे. जब उनके फ़ैन्स, उनके फॉलोअर्स ग्रुप के वो शेयर्स को ख़रीदते थे तो ज़ाहिर है वो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती थी, तो वो बेच के निकल जाते थे. इस तरह से उन्होंने 60-70 मिलियन डॉलर कमा लिए पिछले 6 महीने में. SEC ने उनको पकड़ लिया. तो लोगों ने कहा, यार सबसे बड़ा गुरु तो तू है तारिक खान जावेद, तुझे क्यों नहीं पकड़ा? तो उसके जवाब मैंने दिया कि तारिक खान जावेद को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, बहुत इज़्ज़त दी है, और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ. मैं कोई यहाँ 5,000-6,000 का शायद उनका फ़ीस है महीने का, फ़ीस वीस लेने नहीं आया. तारिक खान को आज तक किसी ने फ़ीस नहीं दी. तारिक खान ने हमेशा इस मुल्क में बांटा है, इस मुल्क में जॉब क्रिएट की है, न कोई जॉब पकड़ी, न कभी किसी से लिया है. तो यहाँ जो मैं जवाब देता हूँ या बताता हूँ आप लोगों को, एज ए बैंकर, एज ए इकॉनमिस्ट, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बताता हूँ. और जब ये शो शुरू किया मैनेजमेंट के कहने पे टिप्स ऑफ द ट्रेड, तो जाके मुनीर भाई को बताया कि भाई मैं अब हो गया हूँ एक ऐसा एंकर जिसमें बहुत सारे लोग पर्टिकुलर शेयर के बारे में बात करेंगे और उस पर मैं कमेंट दूंगा. तो अंडर द रूल, इंटरनेशनल रूल है ये, कोई SEC का रूल नहीं है, आई शुड नॉट बी सीन एज बाइंग दो शेयर्स और सेलिंग दो शेयर्स विद इन द नेक्स्ट 6-8 डेज. ना मेरे नाम पे, ना मेरी माँ के नाम पे, ना मेरे बाप के नाम पे, ना मेरे भाई के नाम पे, ना मेरी बहन के नाम पे, ना मेरे बीवी के नाम पे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैं आज से आपके कारोबार बंद कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग ऑल द मनी, सेल इट एवरीथिंग, गिव मी द चेक. आई एम टेकिंग इट टू माई ओन कंपनी कॉल्ड डनवर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त टैक्स पेइंग कंपनी है और बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी रिकॉग्निशन रिपोटेशन है. हमने वहाँ पर कारोबार बढ़ा दिया. अगला चलेगा, आप लोग की दुआ होगी तो इंशाल्लाह IPO भी लेके आएंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इज़्ज़त देंगे और मेरा भी शेयर ख़रीद लेंगे जैसे आर लोगों का शेयर ख़रीदते हैं हम. तो फिर ये कारोबार ठीक ठाक करके दिखाऊंगा जनाब, लाखों जॉब क्रिएट करके दिखाऊंगा. अभी भी काफ़ी लोगों को जॉब देता हूँ. नाज़रीन, आज की जो और इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कंसीड्स प्रोविंसेस राइट टू प्रोड्यूस पावर. कोई भी मेरा 2009 का शो देख ले, चाहे वो मेट्रो पे हो, चाहे बिजनेस प्लस पे हो, चाहे इंडस पे हो, चाहे किसी और चैनल पे हो, बिजनेस प्लस पे देख ले, ये वाइब टीवी पे देख लें,
2009 से आके चीखना शुरू किया, चीखता हूँ पूरी आवाज़ अपनी लगा देता हूँ कि गवर्नमेंट को हट जाना चाहिए पावर प्रोडक्शन से, छोड़ दो तारिक खान को बिजली बना दो, दानिश को बिजली बना दो अपने इलाके में, अफसर को अपने इलाके में बिजली बना के बेचने दो, क्यों आज़ादारी की हुई है, बिजली बनाना जुर्म क्यों है इस मुल्क में, तेल बेचना इस मुल्क में जुर्म क्यों है, मैं कहीं से भी तेल लाऊं, मैं सस्ता बेचूं, मुझे लोग शाबाशी दें, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे जानने वाले, मेरे करीब के लोग जो खरीदेंगे मुझसे, क्यों मुझे जेल में बंद करता भाई तू, मैं गैस कहीं से भी लाऊं, 320 रुपए का 10 लाख क्यूबिक फीट गैस मिल रहा है अमेरिका पूरे दुनिया में, मैं उसको लेकर आता हूँ मादा शक्ल में, उसको कन्वर्ट करता हूँ गैस की शक्ल में, मुझे CNG बेचने दो 12 रुपए का, मुझे गैस बेचने दो अभी जो जिस रेट से बेचे उससे 10 गुना कम पे, क्यों नहीं देते हो, ताकि आप लोगों की 600 बिलियन की रिश्वत ख़त्म ना हो जाए। तो फाइनली गवर्नमेंट इज़ अग्रीड टू लेट प्रोविंसेस अलाउ प्रोडक्शन ऑफ बिजली। अभी तक कानून यह है कि मुराद अली शाह बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर माना जाता है, उसकी मजाल है कि 50 के MV से ज़्यादा तारिक खान को इजाज़त देते बिजली बनाने की, नहीं दे सकता। इसीलिए अब आप जाएं घरों पे, वहाँ पे इस वक्त 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए हैं विंड के, सब पे 49.7 क्यों लिखा हुआ है, मेरी बीवी ने यह सवाल कर दिया। मैंने कहा इसलिए कि हमारा मुराद अली शाह 50 से ऊपर की इजाज़त नहीं दे सकता, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेपरा, नेपरा में 4 मेरे दोस्त गए, 4 करोड़ रुपया खर्च किया, खा गए, हज़म हो गया उनके पेट में, उनको ना इजाज़त मिली ना उनका पैसा वापस आया। तो ये जुल्म नहीं चलेगा जनाब। लेट प्रोविंसेस मुराद अली शाह अलाउ तारिक खान जावेद टू प्रोड्यूस बिजली इन माई एरिया कॉल अल हिलाल एंड आई विल इंश्योर कि अल हिलाल में एक मिनट के लिए बिजली नहीं जाएगी, एंड आई विल गिव पीपल ऑफ अल हिलाल बिजली एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ बिकॉज माई प्रोडक्शन इज़ एट द रेट ऑफ 4। दानिश अपने इलाके में, मेरा जो प्रोड्यूसर बोल रहा है कान में, अपने इलाके में दानिश तुम बिजली का प्लांट लगाओ अपने इलाके में, 4 रुपये में बनाओ, 5 रुपये में बेच दो, देखते हैं कैसे नहीं होता, कैसे बिजली का मसला ख़त्म नहीं होता। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।